अब नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है एक मिनट चलो। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय माइकल पॉटर इन 1990s इन हिज बुक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस आफ्टर डूइंग इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ 100 इंडस्ट्री बिलोंगिंग टू 10 नेशंस राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वॉज टू गेन इन साइट इन टू वाई वन कंट्री अचीव सक्सेस इन वन इंडस्ट्री एंड द अदर कंट्रीज डोंट विन कंपीटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। इट स्टडीज वॉट आर द फैक्टर्स विच डिटरमिन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एन इंडस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। दिस रिक्वायर्स कंसेंट्रेटिंग ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड हाउ कंपनीज बिल्ड एंड मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो कह रहे हमें समझना है कि किसी भी कंट्री को किसी भी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी सर्विस के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कैसे मिलता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा उस कंट्री के माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये हो गया कि उस कंट्री के मतलब डेप्थ में जाके चाहे रिसोर्सेस को चाहे लेबर को या उनकी की स्ट्रैटेजीज को समझना, जो मैक्रो लेवल पे नहीं समझ सकते। क्योंकि देखो मैक्रो लेवल पे अगर आप समझोगे तो शायद यू विल कंसिडर कि भाई उस कंट्री के बाहर ये रिसोर्सेज है ठीक है या ये पॉलिसीज हैं जो सरकार वहां पे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए देती है। से एग्जांपल मान लेता हूं कि अगर यूएई की बात करें तो यूएई गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप हमारी कंट्री में जो भी ट्रेड करोगे इस ट्रेड के अंदर आपको इनकम टैक्स तो देना ही नहीं, यूएई के अंदर आपका इनकम टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट यू नीड टू पे, लेकिन वो भी स्टूडेंट मैक्सिमम परसेंटेज उसका भी 15 पे है 15%। तो इसका मतलब है ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, बट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हुआ वहां के लेबर ठीक है, उनके जो लेबर हैं जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसकी बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो द फैक्टर्स आर एक्सप्लेन बाय पॉटर इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड चार्ट 3.2 वेयर ईच ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्ट विद वन अनदर टू डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री ठीक है। तो ये देखो जरा देखते हैं ओके फैक्टर्स कंडीशंस जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे, आपकी जो डिमांड कंडीशन है उसके ऊपर। डिमांड कंडीशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि क्या चांसेस है उस चीज को रिक्वायर लाइक चाहिए। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो भी मैं डिमांड कर रहा हूँ जिस भी चीज की जिस भी चीज को मैं बना रहा हूँ उससे रिलेटेड और सपोर्टिंग जो इंडस्ट्रीज है वो कितनी है वहां पे राइट। फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी जो फर्म है वो क्या है और कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है और जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पूरा डायमंड स्ट्रक्चर मॉडल है। अभी एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझते हैं क्या है ये। पहला फैक्टर कंडीशंस क्या है। दिस रेफर्स टू हाउ द स्टेटस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल इंपैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इंडस्ट्री ठीक है। मतलब उस कंट्री के अंदर जो फिजिकल रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज है ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज कितने अबंडेंस में है वहां पे, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कितने स्किल्ड है या नहीं है। जैसे अगर देखो बार बार ये एग्जाम्पल कहा जाता है कि भाई इंडिया के पास भी पॉपुलेशन है और चाइना के भी पास भी पॉपुलेशन है और प्रेजेंटली तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से बहुत ज्यादा है तो लेबर तो हमारे पास बहुत सारी होगी, बट स्टिल हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमारी फैक्टर कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लैक कर रहे हैं दैट इंडिया हैज लेबर बट नॉट दैट मच स्किल्ड लेबर इंडिया के पास। ये प्रॉब्लम है लाइक इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट माइंडसेट। देखो इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है ठीक है। आई थिंक जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, मैं अगेन अभी मैं किसी भी पर्टिकुलर मैं पॉजिटिव नेगेटिव्स को कंसिडर करके बोल रहा हूँ कि जिस रेट पे हम चल रहे हैं अगर उसी रेट पे ठीक ठाक तरीके से चलते रहे तो इंडिया फ्यूचर में काफी अच्छी पोजिशन तक पहुंच सकता है ठीक है। बट प्रॉब्लम आता है माइंडसेट का इंडिया के साथ ठीक है। तो वही बात आगे कि फिजिकल फैक्टर कंडीशंस आगे। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड द फिजिकल रिसोर्सेज मिनरल्स वेजिटेशन कैपिटल रिसोर्सेज स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। अब अगर मैं कैपिटल रिसोर्सेज की बात करूं तो इंडिया यहां पे भी लैक करता है क्योंकि आज जाके इंडिया के जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस या एक इनकम का जरिया मानने लगे हैं। अगर मैं आज से 10 साल पहले तक की भी स्टूडेंट्स बात करूंगा तो पीपल वर ऑफ द ओपिनियन और प्रेजेंटली भी ऐसा है ठीक है, पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि स्टॉक मार्केट अरे वो तो जुआ है, स्टॉक मार्केट नहीं करना वो तो जुआ है, उधर से दूर रहना है। मतलब लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सिर्फ लॉस की बात करते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में तो लॉस होते हैं। तो एक ही छोटा सा सवाल है स्टूडेंट्स, आप एक बात सोच के देखो
दुनिया के कौन से बिजनेस में लॉस नहीं है और दुनिया के कौन से बिजनेस में लॉस की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी लॉस होता है और दुनिया का कोई भी बिजनेस आप कर लो, लॉस की प्रोबेबिलिटी है। फर्क क्या होता है, बाकी जो दुनिया के बिजनेस होते हैं हम उनको करने पर ये सोचते हैं कि लॉस क्यों नहीं होगा, ये हमारे दिमाग में चलता है। पहले हम बिजनेस को सीखते और समझते हैं और फिर करते हैं तो हम कहते हैं कि लॉस कैसे हो सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट को हम जुआ बोल करके ना सीखते हैं ना समझते हैं, और फिर अगर कोई टिप दे देता है उसके थ्रू पैसा लगा दे, लॉस हो गया, तो फिर हम यही बाद में ज्ञान देते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो लॉस की मार्केट है। ऐसा कुछ नहीं है, जो धंधा सीख के किया जाएगा उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट भी वही है। अब इंडिया में कैपिटल रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि इंडिया के ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट जैसी चीजों में, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी चीजों में बिलीव करते हैं, क्योंकि बिकॉज एट प्रेजेंट इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्टूडेंट स्टिल जो है रिसाइड करती है रूरल पार्ट में, तो वहां के लोगों को आरडी एफडी सोना जैसी चीजें ही समझ में आती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए शायद इतना मनी नहीं पहुंच पाता। राइट, दीज फैक्टर्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज बेसिक एंड एडवांस्ड, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। द बेसिक आर द नेशनल एंडाउड फैक्टर्स सच एज फिजिकल रिसोर्सेज, क्लाइमेट दैट डजंट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, while the advanced factors include the human and knowledge resources which are more crucial requiring huge investment for their development। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ह्यूमन, क्योंकि देखो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट समझ सकते हो, तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेज शायद ना भी ज्यादा हो बट स्टिल अगर तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया निकला तो तुम वो बन सकते हो जो कि बड़े से बड़ी कंट्रीज को कंपीट कंपटीशन में पीछे छोड़ दे। द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन अंडरटेक हियर इज जापान। जापान नेचुरल कंडीशंस के मामले में बहुत वल्नरेबल स्टेट में है, सुनामी अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर्स बहुत सारे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कुछ खास नहीं है, स्टिल जापान की बनाई हुई चीजें क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड क्लास, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं जापान और जर्मनी से, सॉरी सॉरी यूएस और जर्मनी से, उन तक को बीट करती है। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें जापान बनाता है। राइट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जापान इज फेमस फॉर इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नॉट बिकॉज इट हैज अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बट बिकॉज ऑफ इट्स स्किल्ड इंजीनियर्स प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। राइट, ओके, डिमांड कंडीशंस, द डिमांड कंडीशंस हैव इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर अ फर्म टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हाउ टू बेस्ट सेटिस्फाई द कस्टमर्स इन देयर होम मार्केट। इट इंक्लूड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द होम डिमांड, दिस रेफर्स टू हु आर द बायर्स, व्हाट आर द नीड्स, आर द कंज्यूमर सोफिस्टिकेटेड एंड डिमांड फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इट इंक्लूड्स मार्केट साइज एंड ग्रोथ पैटर्न, दैट इज वेदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एट वॉट रेट द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर सो दैट द फर्म्स कैन अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। राइट, देखो अब मैं अभी आपको जो लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, लेट्स जस्ट सपोज कि मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज करी, ग्रीन स्क्रीन को यूज करके मैं आपको लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मेरी क्लासेस स्टूडेंट्स को और ज्यादा पसंद आ रही है, स्टूडेंट्स और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई कैन थिंक ऑफ इंस्टॉलिंग अ स्मार्ट बोर्ड एज वेल, कि भाई चलो बढ़िया है, अब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, डिमांड हो रही है, तो मतलब मुझे एक तरीके से अच्छा रिटर्न आ सकता है, तो एक काम करता हूं अब मैं स्मार्ट बोर्ड और बढ़िया वाला कैमरा डीएसएलआर लेकर के तब मैं लाइव जाकर के या तब मैं रिकॉर्डिंग करके क्लासेस दूंगा, तो डिमांड कंडीशन भी देखनी पड़ती है। राइट, आगे में रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, द फर्म कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इट नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद इट्स सप्लायर्स एज वेल एज फर्म्स प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्स टू इट्स प्रोडक्ट्स। राइट, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट में सब कुछ आप नहीं बनाते, आपको कुछ चीजें जो अदर मैन्युफैक्चरर है उनसे लेकर के काम करना पड़ेगा, तो होगा क्या, आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अपने प्रोडक्ट के लिए डिपेंड कर जाओगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूंगा, अगर आप लोगों मतलब देखो आप लोग अभी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में भी हो, तो मैं आपकी समवेयर अराउंड एज मान के चल रहा हूँ 20-21 के नियर अबाउट आप लोग हो, एंड आई एम 28। ठीक है, मैं 28 हूँ, तो आपसे 8 साल पहले से दुनिया में देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप 2021 हो तो आई थिंक इतना आपको याद होगा, एक पीरियड याद करने की कोशिश करना
लाइक 2007-8 का पीरियड अगर रफली भी याद है, उस टाइम पे ना वीडियो गेम चला करती थी और एक मारियो की गेम थी। आज तो हम प्ले स्टेशन वगैरह पे पहुंच गए हैं, परचेजिंग पावर भी स्टूडेंट बढ़ गई है तो हम प्ले स्टेशन से नॉल पे पहुंच गए। लेकिन अगर मैं उस टाइम पीरियड की बात करूं तो अगर आपको याद होगा वो टीवी में आप एक ऐसे बॉक्स सा लगाते थे, उस बॉक्स को लगाने के बाद उसमें वो ग्रीन कलर की चिप डला करती थी, कैसेट बनती थी, जिसमें मतलब सबसे फेमस गेम तो मारियो थी, ठीक है। एक मारियो गेम सबसे ज्यादा फेमस थी, एक लोग डॉग हंट खेलते थे क्योंकि वो गन आती थी, गन से आपको डॉग हंट करना होता था, वो डॉग प्लेट्स को मारता था। और एक कॉन्ट्रा गेम आती थी अगर आपको याद होगा तो, मतलब घर वाली, और बाहर तो आप मुस्तफा खेलने जाते थे और टेकन वगैरह, लेकिन घर पे ज्यादातर ये वो आ गई, ये तीन चार गेम्स जो थी स्ट्रीट फाइटर वाली थोड़ी बहुत मतलब उसमें आ जाती थी, राइट। अब उस गेम के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उसका ना जो रिमोट आता था, आज जो मॉडर्न जो प्ले स्टेशन आ रहे हैं उनके जो कंसोल होते हैं वो तो बहुत बढ़िया कंसोल होते हैं, मतलब आप कितना भी किसी भी तरीके से रफली भी खेल लो तो उनके बटन्स नहीं टूटते। बट अगर वो रिमोट आपको स्टूडेंट्स याद होगा, उन रिमोट्स के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि आप लेके आए, लेके आते थे 4 दिन खेलते थे, उसका जो जॉयस्टिक टाइप का होता था मूव करने वाला, वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता था। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि कई बारी जो प्रोडक्ट आप बना रहे होते हो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ पार्ट्स चाहिए जो कि कोई और सप्लाई करता है। अगर वो सप्लायर की क्वालिटी खराब है तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वही वो चीज भी ठीक है तो आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। सो दिस रिक्वायर्स टू वर्क क्लोजली एंड शेयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी विद इट्स रिलेटेड एंड सपोर्टिंग फर्म्स इन ऑर्डर टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। दिस ऑल्सो प्रोपेल्स टू कंपनी टू गो फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन सो एज टू एनहेंस इट्स वैल्यू चेन। फॉर एग्जाम्पल, इटली इज नॉट फेमस फॉर इट्स शूज ओनली बट ऑल्सो अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जैसे कि वो क्या है कि इटली सिर्फ शूज के लिए फेमस नहीं है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हो गई, और साथ ही साथ में इटली और फ्रांस दोनों फैशन के मामले में बहुत सारी चीजों में फेमस है। तो इस तरीके से भी हो जाता है, अगर आपका कोई एक चीज चल रही है तो आप सपोर्टिंग चीजों को भी हेल्प करने लग जाते हो। नेक्स्ट है फर्म स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। अ फर्म स्ट्रैटेजी डिपेंड्स मेजरली ऑन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट फिलोसफी फैक्टर कंडीशन इन होम कंट्री एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। इट हैज लॉन्ग इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड कैन बी वन ऑफ द मेजर फोर्सेस बिहाइंड अ कंपनी सक्सेस और फेलियर इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज फिलोसफी ऑफ क्वालिटी सर्कल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज गिवन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट। कि भाई क्वालिटी सर्कल होगी और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है? जापान ये कहता है कि हम जो भी चीज बनाएंगे, ठीक है, उसके ना वेरियस स्टेजेस ऑफ जो स्टेजेस हैं उनसे वो पास की जाती है क्वालिटी चेक में। हमारे यहाँ क्या है कि हमने कोई चीज बनाई, एक क्वालिटी चेकर को दिया, उसने उठाया, उसने कहा हाँ ठीक है ओके चलो ओके रिपोर्ट, नहीं। जापान में जो क्वालिटी चेक है उसके वेरियस स्टेजेस होते हैं, तो मैनुअल भी चेकिंग की जाती है और मशीन्स के थ्रू भी चेकिंग की जाती है। दैट इज द रीजन कि उनका क्वालिटी चेक के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो अपने आप में बेस्ट होता है, तभी उनको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिया गया, राइट। तो ये हो गया फर्म की स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर और राइवलरी। नेक्स्ट बात करते हैं, पोर्टर स्ट्रेसेस ऑन टू मोर फैक्टर दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द इंपैक्ट ऑफ बबल फैक्टर। चाइना इज द टोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अदर इज द चांस। द गवर्नमेंट थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड रेगुलेशन विच हैज अ बियरिंग ऑन द फोर अबव मेंशन फैक्टर्स। वो कह रहे कि देखो ऐसा है कि ये सारे जो फैक्टर्स है इनका एक बहुत बड़ा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है आपकी जो गवर्नमेंट है उनकी क्या पॉलिसीज है उनके क्या रेगुलेशन है, ठीक है, विच कैन बी एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर अ फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज thereby गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एज टू इट्स इंडस्ट्रीज। सो द अदर इज द चांस विच इज बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल एंड इंक्लूड्स टेक्निकल ब्रेक थ्रूज और कमिंग अप विद न्यू आइडियाज thereby प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्म। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ही किसी देश की ऐसी है जो मतलब एग्रेसिवली स्पेंड करती है कि उनकी एजुकेशन और स्किल्स ही बढ़नी चाहिए, और मतलब बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशन स्पेंडिंग तो हर देश की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्टिल वी नो कि इतने एजुकेशन स्पेंडिंग के बाद हम कितना स्किल लेवल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम जानते ही है ना। तो एजुकेशन स्पेंडिंग को एग्रेसिवली करने का मतलब है कीपिंग एंश्योर कि आप जो स्पेंडिंग कर रहे हैं उसके थ्रू जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो देखने पड़ेंगे, उनको विजुलाइज करना पड़ेगा, जो
लोग एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, उस लेवल की स्किल्स लेना चाहते हैं, केवल उन्हीं तक एजुकेशन के बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया जाए, ये नहीं कि बस तुमने स्कीम निकाल दी, अब जो मर्जी आके पढ़े ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलो अब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। द थ्योरी इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ 10 नेशंस ओनली, इट डजंट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द होल वर्ल्ड, इट स्ट्रेस इज दैट ऑल द 4 facets ऑफ द डायमंड मॉडल डिटरमाइन द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ द इंडस्ट्री। This may not be the case for an exporting firm as it is not concerned with the domestic demand. वो कह रहे कि देखो बात तो बिल्कुल सही है, तुमने ये तो अपने पास देख लिया। वो कह रहा है कि अगर कोई कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट में बिलीव करती है, जैसे कि चाइना, चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री ही मानी जाती है, चाइना का जो सबसे ज्यादा बड़ा ध्यान है वो है कि बस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रमोट करना, चीजों को बनाना, उन चीजों को बनाना जिनको इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छे स्केल पे एक्सपोर्ट करके मनी को अर्न किया जा सके। इट स्टेटेड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट सो क्रूशियल फॉर अ फर्म टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बट इन 1985 इन कैनेडा मेनी इंडस्ट्रीज वर सक्सेसफुल इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। चलो